नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। शनि देव को शांत और शुभ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि जब अशुभ और अशांत होते हैं तो व्यक्ति का जीवन संकट और परेशानियों से भर देते हैं। शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में न्याय करने वाला देवता माना गया है। शनिवार के दिन पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया चल रही है, उनके लिए 13 नवंबर 2021 का दिन महत्वपूर्ण है। इसी दिन शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की पूजा करता है उसे शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भक्त और हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। इसके साथ भगवान शिव की पूजा करने वालों से भी शनि प्रसन्न रहते हैं। शनि की दृष्टि 5 राशियों पर है। मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया और धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए इन 5 राशियों को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। अब शनिदेव को कैसे रखें प्रसन्न। शनिदेव एक न्यायप्रिय ग्रह है। जो लोग गलत कार्य करते हैं, दूसरों को परेशान करते, कमज़ोर लोगों को सताते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं, शनिदेव ऐसे लोगों को अपनी दशा, अंतरदशा, 7.5 शनि की ढैया के दौरान कठोर दंड देते हैं। शनिदेव उन लोगों को परेशान नहीं करते हैं जो नियमों का पालन करते हैं, दान धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।